तिब्बत के गांव सुताना में परिवार को कमरे में बंद कर आग लगाने व बच्चे की हत्या करने के मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी हो पाई है। हालांकि पुलिस जो है इस सारे मामले में छापेमारी कर रही है, लेकिन सिर्फ एक आरोपी को पकड़ा गया है जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है। उसे पानीपत के जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने एक दिन का रिमांड जो है लिया गया है। इस दौरान आरोपी से वारदात में चाकू व फरार आरोपी मोनू के ठिकानों का पता लगाने का पुलिस जो है प्रयास करेगी। उधर परिवार की हालत जो है अभी भी नाजुक बनी हुई है। परिवार की जो महिला इस मामले में जली थी, उसकी आंखें नहीं अभी खुल पा रही है और अभी डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं। इसी बीच पानीपत के मशहूर उद्योगपति यशपाल मलिक आज सिविल अस्पताल में परिवार वालों से मिलने पहुँचे हैं और मीडिया में जब से ये खबरें आ रही हैं कि सुताना के एक परिवार के साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ है, तभी से उन्होंने मन बनाया था कि इस परिवार की जो है मदद करनी चाहिए। हालांकि शहर समाज सेवियों का है, अभी तक एक भी समाज सेवी इस परिवार की मदद करने के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन यशपाल मलिक जो हैं मौके पर पहुंचे हैं। उग्राखेड़ी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी जेब से 50,000 रुपये कैश जो है परिवार वालों को मदद दी है और हर संभव सहायता देने का जो है भरोसा भी जताया है। यशपाल मलिक का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से जो है मीडिया में ये खबर देख रहे थे, लेकिन अभी तक समाज सेवियों को आगे आना चाहिए था, लेकिन शुरुआत जो है उन्होंने अपने हिसाब से कर दी है। उन्होंने अपील भी की है और लोगों से कि और लोग जो हैं इस मामले में, समाज सेवी जो हैं इस मामले में सामने आए और इस परिवार की जो है मदद की जा सके। सुनिए यशपाल मलिक क्या कहते हैं। मैं 2-3 दिन से मीडिया में देख रहा था, इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि घर भी जला दिया, बच्चे जला दिए, छोटा कुछ नहीं, एक बच्चा रहा है नहीं। तो मुझे लगा कोई शायद भाई समाज से भी बहुत हैं पानीपत में, कुछ इसके लिए आगे आएंगे, पर मैं 2-3 दिन से सोचता रहा। मुझे लगा कि कुछ शायद कहीं ना कहीं कुछ और किसी को आगे शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आज भाई की कोई मदद करने आया था आर्थिक तौर पर, ताकि कम से कम उसके दरवाजे वगैरह लग जाएँ और बैठने का ठिकाना हो जाए, ये सोच कर आया था। बाकी इनका हाल चाल पता करने आया था मरीजों का। हादसे को लेकर क्या कहेंगे सर? सरेआम जो है इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया पानीपत जिले में, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई तो जुर्म और वो हो ही नहीं सकता। ये तो फांसी होनी चाहिए उनको, तो मतलब जिंदा जला देना, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? एक मर्डर होता है वो अलग चीज़ है, और फिर पूरे परिवार को दरवाजे बंद करके बाहर हथियार लेके खड़े हो गए ताकि एक भी जिंदा बाहर ना आ सके। फांसी से कम सजा के हकदार नहीं है वो लोग, सख्त से सख्त सजा यही है कि उनको फांसी होनी चाहिए। तो सर इस परिवार के आगे भी आर्थिक मदद होती है? जी हाँ, मैं तो ये निवेदन करूँगा कि गांव के लोगों के से भी, इनके गांव के लोगों भी कुछ गरीब आदमी से कुछ मदद करें, शहर के जो समाज सेवी हैं जो हो सकता है उनसे जितना भी हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। बेचारे गरीब आदमी की परिवार सारा जख्मी पड़ा है, इलाज भी चल रहे हैं, घर में खाने को रोटी का भी जुगाड़ नहीं रहा इसका, तो मैं तो चाहता हूँ कि सारे समाज से भी आगे आएँ, इसकी मदद करें। बच्चे सर स्कूल में भी पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या स्कूल की तरफ से भी कोई हेल्प उनकी आने वाले समय में होगा? आनी तो चाहिए। बाकी कोई नहीं करेगा स्कूल में, जो बच्चे जाएंगे मेरे से जो हो सकेगा मैं बच्चों के लिए करूँगा, जो बुक्स वगैरह जो भी होगा मैं कर दूँगा। तो फिलहाल इस सारे मामले में यशपाल मलिक वो पहले शख्स हैं जो इस परिवार की मदद करने के लिए सामने आए हैं। उन्होंने 50,000 रुपये कैश जो है इस परिवार को मदद के रूप में दिया है। उधर परिवार के मुखिया का कहना है कि उनकी हालत जो है वाकई बद से बदतर जो है होती जा रही है, क्योंकि जिस घर में आग लगी है उस घर में अब रहा नहीं जा सकता, दरवाजे खिड़कियां और घर में सारा सामान जो था वो जलकर राख हो चुका है। तो उन्होंने भी पानीपत वासियों से अपील की है कि उसकी जो है मदद की जाए। अखबार के माध्यम से आए थे मलिक साहब, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने 50,000 रुपये ज़्यादा भी कुछ नहीं तो बेचारे बोल के गए हैं बेटा तेरे खिड़की दरवाजे का तो सारा लगेगा, तो जी मदद की है। हाँ हाँ जी, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाव जी ने मलिक साहब ने आपको बोला है सरकार के लिए उम्मीद है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो उम्मीद ये करते हैं यशपाल मलिक की तरह अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी समाज सेवी पानीपत का इस वीडियो को देख रहा है यशपाल मलिक की तरह वो भी आगे आए और जितना बन सके अपनी जेब से जो है इस परिवार की मदद की जा सके, क्योंकि शहर जो है समाज सेवियों का शहर है और उम्मीद यही की जा सकती है कि आप लोग जो हैं आगे आएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।